कुछ ना कुछ अपना अनुभव देने के लिए स्थिति में है अभी तक बैटिंग पर। और मुकेश जी जाते हुए पाली वॉरियर्स की तरफ अपनी सेवाएं दे रहे, कुछ ना कुछ बोलते हुए अपनी तरफ से क्या करना क्या नहीं करना, और साथ में एम्पायर भी जाते हुए। मुकेश जी के वो बहुत ही अनुभव है अपने टीम को कुछ समझाते हुए, अच्छा लगता है। साबियो तो ये लड़की जो अलमारी है साबियो तीसरी साबी आता ले बराबर। कंदोरा लगा हुई लगी है इस टूर्नामेंट में। हाईएस्ट स्कोरर्स हमारे सामने हैं सुरेंद्र पाली, बहुत ही अच्छी बैटिंग का नजारा किया है की बार इन्होंने, तो 50 मार चुके ही है। अभी क्या करते बैटिंग आने के बाद मालूम चलेगा। अपने गेम में बहुत सुधार कर गया दो साल में, कंटिन्यू प्रैक्टिस में जाते ही है। सुबह 5 बजे उठ के कतरी भी ठाट पड़ दी है तो जाए, चाय की होटल है इनके, चाय भी बनाते हैं, चाय नंबर एक बनाते हैं और खाना भी अच्छा बनाते हैं, ये कुक है। चालू कर दीजिए, बड़ा दिवाली का भटका अभी तक बसा है क्या भटुकड़ा? बहुत अच्छी घोषणा आई है, अगर ये पाली वॉरियर जीतती है तो 11,000 रुपए का इनाम। मुकेश कुमार जी, भगवान दाजी, रानी स्टेशन, मुंबई, मुकेश जी कनक की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम पाली टीम जीतती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, ऑनलाइन से धन्यवाद दे रहा हूं आपको, सुन लेना। अगली गेंद लेके आते हुए अशोक कैप्टन खुद जिम्मेदारी लिए गेंदबाजी की, सामना करेंगे हरीश अशोक का। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन एक रन से दोनों ही खिलाड़ियों को नो रुक होंगे। जब तक हरीश आप किच पे रहते हैं तो जयेश पुरी किच में पहुंच जाते हैं, इसकी तेजी है उनमें। कुछ फील्डिंग में बदलाव करते हुए कैप्टन, 3 रन, ओके राइट, थैंक यू। बैठे अगली गेंद, बाय बाय, 3 रन हरेश के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन मिसप्ले रमेश जी के द्वारा। क्या बात है, बॉल चिपक नहीं रही है क्या, सूरमा खा गया है क्या? जा 1 रन होना था वहां, 3 रन दे दिए। अगली गेंद हसमुख की, यस सामना करेंगे।
क्या बात है, यस मार दिया है पीछे जयेश कोई मोटर एक्सप्रेस लेंगे, आपसे ज्यादा बॉलर एक्सप्रेस है ये, बॉल नहीं रुकेगी, आप कितने भी तेज भागो लेकिन चार रन, आप कितने भी तेज भागो लेकिन बॉल आपसे तेज भागती है। बहुत ही अच्छा शॉट, रिवर्स शॉट, दूसरा रिवर्स शॉट है ये, बहुत ही शानदार बैटिंग का नजारा दिखाते हुए यस अपने खेल को और अनुभव की तरह जोड़ते हुए यस रिवर्स शॉट भी मारना कोई आसान नहीं है, बॉल और बैट का जज्बेन होना चाहिए। विकास ने मारा था जैसे टूर्नामेंट ऑफ द शॉट था वो, बहुत अच्छा शॉट, शानदार शॉट मारते ही है, एक रन से संतुष्ट। घोड़िया हीरोज के स्कोर में शतक में एक रन कम है, पूरी टीम का शतक हो जाएगा। जो विकास ने शॉट मारा था रिवर्स, उस पर जितने तारीफ करे जाए उतनी कम है। क्या बात है, क्या बॉल थी, बीट हुए इसके साथ ओवर की समाप्ति, नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 100, 100 रन, सेंचुर सेंचुरी। दोनों खिलाड़ियों में 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 50 की, दोनों अच्छे खेल रहे हैं अब तक, एक दूसरे को समझ रहे और गेम को आगे बढ़ा रहे, और गेम गेंद की जिम्मेदारी लेके आते हुए रमेश जी बॉलर का भार संभालते हुए अब की बार रमेश जी सामना करेंगे हरीश। अंतिम 6 ओवर का खेल बाकी रह चुका है अभी, बहुत अच्छा शॉट हरीश का पीछे, खुद खेल प्रभारी प्रवीण है वही लेके देंगे बॉल, पहली गेंद पे चौका मार दिया, क्या बात है बबुआ। अनुभवी बॉलर को अनुभवी बैट्समैन ने पहली गेंद में चौका मार दिया, बॉल लगता है फुटबॉल की तरह दिख रही है हरीश को। रमेश जी का ये पहला ओवर है टूर्नामेंट का, अभी तक ओवर नहीं किया है, आज कुछ जिम्मेदारी ली है आगे से, 15 ओवर का मैच है तो सबको करनी पड़ेगी बॉलिंग। बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद हवा में है, नीचे बानो है प्रताप सिंह लेकिन छोड़ दिया है, क्या करेंगे, चिड़िया छुप गई खेत, मैच जीतना है तो कैच तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते अफसोस के सिवा। बानो ने मिस फील की, बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला है हरीश को, स्कोर और आगे जाएगा, जिसका कैच छूटता है वो बहुत अच्छा मारता है रन, ये तो हमने देखा ही है। अगली गेंद बीट हुए बुरी तरह, वापसी गेंद करते हुए वापस रमेश जी अपनी गेंद में, ये भी बहुत अनुभवी है, पहले गेंद बहुत करते थे अभी खाली बैटिंग पे ध्यान देते हैं। अरे एम्पायर ने वो भड़का हुआ है, बहुत अच्छा शॉट कैप निकाल दिया पीछे शुरू से, लेकिन 4 रन से नहीं रोक पाएंगे गेंद को, बहुत अच्छा शॉट, आज तो
कुछ गेम में अलग ही है आपके बैटिंग का नजारा। हरीश 44 पे खेल रहे, मात्र 6 रन की आवश्यकता आपको हाफ सेंचुरी के लिए। फाइनल में बड़ा मुकाबला, फाइनल मैच जो बड़ी पारी खेल के लेके देते हुए, जैसे इंडिया में विराट कोहली करते हैं वैसे अपने गुरुवार में ये विराट कोहली कर रहे हैं। अपने वो विराट कोहली कब फॉर्म में आएगा, ये अपना तो आ गया। और अंत तक खेलेंगे तो और स्कोर बड़ा होगा। बहुत ही अच्छी गेंद बीट हुई, ओवर की समाप्ति। 110 रन, 11 की रन रेट से चल रहे दोनों ही बल्लेबाज। 10 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 110 रन, 10 ओवर की समाप्ति। टिन टिन टिनी। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही सूझबूझ से खेल रही है। 110 है, टेंशन मत लो यस, तुम मारते रहो, हम स्कोर बताते रहेंगे तुम्हारे को। एक नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बोलेंगे। दोनों की अच्छी पार्टनरशिप चलती हुई दोनों की, उनको पता है अरे मार रहा है तो मैं सिंगल डबल निकाल के दो वो गेहूं बखूबी। अगला ओवर लेके आते हुए अशोक जी, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है ये, इनका रिकॉर्ड है वेलार में 7 विकेट लिए थे इन्होंने। अभी कुछ अलग दिखाना पड़ेगा गेम में अशोक जी के द्वारा। सिरोही वॉरियर्स के कैप्टन थे पहले ये, अभी पाली वॉरियर्स में सेवा दे रही है। हाँ, इनके साले साहब ने घोषणा की है, बहुत ही सस्ता। हेलो, गेप में 4 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट यश का। इनके साले साहब ने घोषणा की अशोक जी के, अगर अशोक जी विकेट लेते तो 501 रुपए का इनाम ये ओवर में। मोहित ने घोषणा की है, जल्दी बोलो। अगली गेंद अशोक जी की, यस करेंगे सामना। बहुत खूबसूरत शॉट यार, अरे मिसफील, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही खिलाड़ी को। बहुत तेजी है इनके पैरों में दोनों ही खिलाड़ियों के, बड़ी पारी की ओर अग्रसर होता हुआ गोरवार हीरो फाइनल मुकाबले में स्कोर को और बढ़ाता हुआ। ये सुपर शॉट, क्या बात है, 4 रन। आज तो कुछ अलग ही दिखा रहे यस अपने बैटिंग में, अलग अलग शॉट का नजारा दिखाते हुए अपनी बल्लेबाजी में, अपनी अनुभव को पूरी तरह झोंकते हुए इस फाइनल मुकाबले में यस उभरते हुए खिलाड़ी है ये राकावत, टूर्नामेंट में आने वाले थे। बहुत ही शॉट, पीछे फील्डर, बॉल हाथ में नहीं आ रही आज तो, एक बार चेक कर लीजिए बॉल हाथ में नहीं आ रही आपके।
सूरमुखी नहीं है अलग है। कल चावल खाए थे, कल चावल खाए थे मीठा चावल। अगली गेंद अशोक जी की, अरे सामना करेंगे, उठा दिया हवा, हेलो एक रन, कोई मौका नहीं खिलाड़ियों के पास। व्हाट्सएप कट गया यार, अगली गेंद अशोक जी की, स्कोर बता देंगे, रुको 123 रन लॉस्ट ऑफ 2 विकेट, 11 ओवर की समाप्ति पर अंतिम 4 ओवर का खेल शेष है अभी तक। क्या टीम में कुछ मैनेजमेंट चलता हुआ? भाई 123 रन टीम का स्कोर। जल्दी से जल्दी गेम चालू कीजिए, आपकी बातें हो चुकी तो ग्यारह ओवर की समाप्ति पर 123 रन लॉस्ट ऑफ 2 विकेट, बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए गोल्डवर हीरोज, शानदार। अशोक जी को कुछ लगा हुआ पैर में इसलिए जा रहे हैं, उनकी जगह लक्ष्मण आ रहे हैं दूसरे फील्डर। अगला ओवर लेके आते कोई मित्र एक्सप्रेस, बहुत ही अच्छा शॉट का, लेकिन अरे ये तो भागते रहेंगे क्या बात है। यस दोनों ही खिलाड़ी आप सेंचुरी करते हैं तो भरत कुमार रूपता जी की ओर से 500 रुपए का इनाम, बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई खिमाड़ा जो सिकंदरा में बैठ के ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पीछे मार दिया है बाणु प्रताप सिंह के ऊपर से जाती हुई गेंद, 4 रन, बाहर में जाके बॉल लेके आई है बाणु प्रताप सिंह, हरीश को एक रन की आवश्यकता, आप सेंचुरी में बस 49 पे खेल रहे हैं। फाइनल बड़ा मुकाबला, बहुत ही कीमती मुकाबला ये फाइनल, जो बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी होता है वो विराट कोहली अपने समाज के अपनी गेंद को और अच्छा सूझबूझ के साथ खेलते हुए के फाइनल में फाइनल के लिए गेम को बचा के रखा था। 86 के दोनों में पार्टनरशिप हो चुकी है अभी तक। अरे क्या होटिंग हो रही है, 50 नहीं होगी लेग बाई, नहीं था 50 होती। अगली गेंद का सामना करेंगे यश, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी यश, ये भी आज फाइनल के लिए गेम बचा के रखा था इन्होंने भी।
ये क्या है? स्कूल ने छुट्टी भेज के हेला मारा हुआ है। अरे पीस फील अशोक के द्वारा कैप्टन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। देश के लिए प्यार है खिलाड़ियों का, इसलिए आबा कर रहे आका कर रही। अगली गेंद सामना करेंगे अरिश, विराट कोहली 49 पे खेलते हुए। बहुत ही शानदार शॉट 50 इसी के साथ बैट ऊपर ले लिया अपना। फाइनल मुकाबले में 50 मारी है विराट कोहली अपने घोड़वाल के। इंडिया के कब फॉर्म में आएंगे नहीं मालूम, उनको भी हमारे भवा के पास लेके जाना पड़ेगा, राजस्थान के भवा भल्लो के पास। ये भी जाके आए, इन्होंने 50 मारी है। नींबू न कंकुलेन जाना पड़ी। अगली गेंद का सामना करेंगे यश। बहुत ही तगड़ा शॉट, अरे अरगा जाओगे मारोगे घर का जाओ मारो। ओवर की समाप्ति पर हरे जी ने कुछ ब्रेक डांस के स्टेप दिखाए जो बहुत डांसर है ये हमको नहीं मालूम चला था ये डांसर भी है। 12 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 131, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। मात्र 8 रन आए इस ओवर में अरे देश के। अगला ओवर लेके आते हुए जीतू भाई सुरो, दोनों ही खिलाड़ियों को आप सेंचुरी एक की हो चुकी है। क्या बात है ये, अरे पकड़ा पकड़ा पकड़ लिया पकड़िया, चिपक गई गेंद। अभी नहीं रुक पाएंगी गेंद, इनसे बच नहीं पाएगी गेंद। कब से बच रही है इनसे गेंद, दुश्मनी है गेंद की क्या? अभी पकड़ लिया, बहुत ही अच्छा कैच, लेकिन अपनी पारी बहुत ही अच्छी खेल के जा रहे हरेश। बहुत ही शानदार बैटिंग का नजारा दिखाते हुए फाइनल मुकाबले में ये पारी याद रहेगी 12 मिनटों तक। नए बैट्समैन ईश्वर बटिंडा पंजाबी मुंडा, ईश्वर बहुत ही अच्छी बैटिंग करते जाते हुए अंबाला में बहुत क्रिकेट खेलते हुए। बुड़गा फोड़ता हुआ आदमी ठीक है, बहुत ही अच्छा शॉट ईश्वर जी का। अरे रे 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 मारो, ये तो कुछ देख रहे नहीं, सीधा भागने में स्टार्ट कर दे। जेस को तो मोटर लगी हुई है क्या, एक्टिव है पूरे तो। अगला गेंद लेके आता हूं जीतू जी। यस, अरे वापिस रिवीज शॉट के प्रयास करते हुए, लेकिन अब की बार नहीं लगी, नहीं तो ये 4 रन होते रहते। बहुत अच्छी गेंद, अगली गेंद, अरे बीट हुए बुरी तरह। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ ये, खाली 1 रन आया। बहुत ही मजे हुए बॉलर है ये भी अनुभवी। बीट हुए बुरी तरह, मानना चाहते यस।
एक रन का ओवर, ये बहुत ही शानदार ओवर निकाला है ये इस पारी का, सिर्फ एक रन आया और विकेट भी आया इसमें। अगर ये इसको रोकना है तो पाली वॉरियर्स को ऐसे ही एक दो ओवर की जरूरत है। अगर ओवर 132 रन, मात्र एक रन आया, ये ओवर किया है, इनके ऊपर एक घोषणा आई है 200 रुपए का इनाम राजू जी की तरफ से। जीतू जी को ये ओवर अच्छा किया इसके लिए 200 रुपए का इनाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा ओवर हो चुके पूरे, मात्र दो ओवर का खेल शेष इस इनिंग का, फाइनल मुकाबले का। अगला ओवर लेके आते हुए विकी सामना करेंगे ईश्वर अंबाला। बहुत ही जसवंत पीछे फील्डर है, बहुत ही तंदुरुस्त, एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों खिलाड़ी को। बहुत देर से बैटिंग कर रहे, यस पिच को पूरी तरह समझ लिया इन्होंने। बहुत ही अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग विकी के द्वारा सामने ही। बहुत अच्छी गेंद विकी की, थक गए लगता है। यस बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे गया लेकिन पीछे दबे जी हैं, रोक लेंगे। अगर लगातार तीन छक्के मारते हैं तो किशोर जी थाना की तरफ से ईश्वर जी को 5100 रुपए, लगातार तीन छक्के 5100 रुपए। पीछे 9 बॉल में सिर्फ 3 रन आया खाली। बहुत ही अच्छा शॉट पीछे, सुरेंद्र मुस्तैद अच्छे फील्डर है ये। अरे 2 रन चल रहे हैं, रुक पाएंगे दोनों खिलाड़ियों को। अच्छी रनिंग द विटनिंग, यश तो भागने में बहुत तेजी है और उतने तेज ईश्वर जी भी है। अरे 4 रन, बहुत ही अच्छा बाई गई ओवर की समाप्ति। 140 टीम का स्कोर, 14 ओवर समाप्त। स्कोर टीम का गोडवार हीरोज का 14 ओवर की समाप्ति पे पारी का इनिंग का अंतिम ओवर लेके आते हुए जयेश, बहुत ही बड़ी घोषणा है ये। एम्पायर साहब इधर ध्यान दीजिए, आपको 1100 रुपए की घोषणा मुकेश जी भगवान दास जी रानी गांव की तरफ से कनक मुंबई, मुकेश जी कनक दोनों ही एम्पायर के लिए 1100 रुपए की नगद राशि ऑनलाइन पेमेंट दी जाएगी आपको। बहुत ही अच्छा आपका एम्पायरिंग था, इसके लिए उन्होंने लाइव देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। लास्ट अंतिम ओवर का सामना करेंगे, अरे महेंद्र जी आएगा, अरे अय्या ने किया टाइम नहीं पड़ी जटैया पोमड़ो कोई गिरे यू पोमड़ा वेगा किया, हम क्या कोई पोमड़ा नहीं मारिया सुरमा में कमी रीति का पोमड़ो एम तो भरो हमें उतावरा उतावरा हालो रिया।
पिछला तीन ही ओवर बहुत ही अच्छा घटा है पाली वॉरियर्स की तरफ से, स्कोर को दबा के रखा है उन्होंने, मात्र 18 बॉलों में 16 रन ही आए हैं, मात्र 18 बॉलों में, पिछले तीन ओवर में ज्यादा रन नहीं दिए इन्होंने। गेंदबाजी को कसी हुई की है तीनों ही गेंदबाजों ने, स्कोर को ब्रेक लग गया थोड़ा, अगर हरेश जी होते तो और स्कोर होता था टीम का। अगली गेंद सामना करेंगे नरेश यश का, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है ये, बहुत ही अच्छा शॉट, अरे 4 रन, जैसे पगो में विशु किया जी बरगोना होता भैया, 4 रन पगो से बस में दी जाती हुई बॉल, 4 रन और पटाखा अभी से फूटते हुए कटा दे लिया, खिलाड़ियों का उत्साह देखो टीम के लिए, जीतो या हारो लेकिन खिलाड़ी मजा लेते हुए पटाखे के साथ, दीवारी तो बागी है, कौन की दीवारी, खिलाड़ी उत्साह लेते हुए आनंद लेते हुए फील्ड में, ये मेला है हमारी तरफ से, टूर्नामेंट नहीं है, ये मिलन का मेला है, हम 12 महीने इंतजार करते हैं ये चीज का कि कब हम जाए कब जाए, हम जाने के बाद तो 2 दिन तक हमको आवड़ता ही नहीं है, इतने उदास रहते हैं कि भाइयों के साथ रहना 24 घंटा उनके साथ सोना बातें चीतें करनी, काम मिलन होता था, हम अब काम धंधे पे लग जाएंगे सब भूलकर, सिर्फ काम धंधा और फैमिली टेंशन। अगली गेंद गेंद हवा में नीचे, फील्डर श्रवण जी अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी गेंद बरोबर आ रही है इनके पास, पहले लूटी हुई थी गेंद इनसे, अभी बरोबर आ रही है गेंद, हम 12 महीने से 2 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं वीडियो कॉल पर, सुबह की साय से लेके शाम के खराटे तक हम बातें करते रहते थे एक दूसरे से वीडियो कॉल पर कि कब हम मिलेंगे, अभी ये लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, बस ये यादें रह जाएंगी इस टूर्नामेंट की तो एक दूसरे के साथ हमने साथ में काटी है रातें, वो दिन वो यादें, वो सुबह की 4 बजे की चाय साथ में पीते थे, पंडरपुर चाय, जितना गली नहीं जानते थे गांव वाले, हमने भी गलियां घूम लिया कोशिला की, सुबह से शाम तक बाइक लेके फिरते थे, कहां नाश्ता आस्ता मिलता है वहां जाते थे हम। आखिरी 3 बॉल, कैप्टन हमारे सामने है 22 नंबर जर्सी में, कैप्टन भागते हुए पूछे गेंद के, कैप्टन टू कैप्टन पदौड़िया रन आउट करोगे, अंतिम 2 ओवर शेष गेंद की इनिंग की, सामना करेंगे ईश्वर जी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश करेंगे अंतिम 2 बॉल में, क्या छक्का लगाते या बाउंड्री, छक्का लगाते 101 ईश्वर जी पालना की तरफ से, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी का नजारा जयेश के द्वारा कोयम्बटूर एक्सप्रेस, अंतिम ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ये अंतिम ओवर बहुत प्रेशर का ओवर होता है, लेकिन इन्होंने अपने गेंद को कसी हुई रखी हुई है, कोई मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का दोनों ही बल्लेबाज को, नहीं तो अंतिम ओवर में हम जानते ही है कितने रन आते हैं, सबको मालूम ही है अंतिम ओवर कितना महत्व रखता है टीम का। एम्पायर की राशि आ चुकी है, अरे कोई बात नहीं, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों खिलाड़ियों को, इनिंग की समाप्ति और ईश्वर जी रन आउट हो चुके हैं,
147 टीम का स्कोर गोडवार हीरोज का 147 148 का टारगेट है। ये मैच अगर आपको जीतना है पाली वॉरियर्स 148 अगर ये मैच जीतना है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है ये 15 ओवर में। लाइनिंग के लिए भिजा दीजिए जल्दी से जल्दी, खेल पर भारी ध्यान रखिए, लाइनिंग के लिए भिजा दीजिए। एक खिलवाड़ी मेरे बाजू में बैठे हैं नकुल जी, पिछले 4 ओवर में अंतिम ओवर में सिर्फ 24 रन आए, पिछले 4 ओवर में सिर्फ 24 रन आए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा पाली वॉरियर्स की तरफ से। आखिरी ओवर में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा करते हुए एम्पायर साहब इधर आ जाइए, आपकी इनाम राशि। लाइनिंग के लिए चले गए, लाइनिंग के लिए जयवर्धन जी आ चुके हैं हमारे सामने, सामने से जीतू जी जा रहे हैं, माने मुकेश जी कनक के द्वारा ये इनाम राशि दी जा रही है एम्पायर साहब को 1100 रुपए। लाइनिंग के लिए भिजा दीजिए पहला काम समाज को काम है, समाज को काम है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा आज हरेश और यश के द्वारा, शानदार गेंदबाजी, ये फाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला तो दोनों ही खिलाड़ी खेल रही हैं। विशाल सुना इधर पड़ा है, विशाल सुना इधर पड़ा है, बहुत ही शानदार मुकाबला ये आज का अंतिम दिन है हमारा, जो साथ में निभाए 4 दिन वो यादगार रहेंगे भाइयों और 12 महीने तक याद करेंगे ये दिन। वापस कब दिवाली आई, कब टूर्नामेंट होगा नहीं मालूम, लेकिन ये यादगार तो साथ में लेके जाएंगे हम। टूर्नामेंट के 2 महीने पहले ही हमारा ग्रुप चालू हो जाता है, सुबह की चाय से रात के खराटे तक हम बात करते रहते हैं वीडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ, और टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए राहुल आते हुए गोलवार इलेश के पास, ये गेंद, एक गेंद नहीं है हमारी तरफ से, एक मिलन का और यादगार का। 4 दिन हम हमारे बाजू में भी घर है लेकिन हम घर पे नहीं जाते, भाइयों के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रहना, रात में सोना वो भी एक काम मिलते हैं हम, वो भी एक टाइम था, खाली शादी ब्याह में और मुकान में मिलते थे हम। अब ये टाइम है जो 12 महीने एक बार हम मिलने का मौका मिलता है हमारे को, एक दूसरे से पहचान होती है और एक दूसरे से बातें होती रहती है। अभी तो हम काम धंधे पर लग जाएंगे, बस खाली याद लेके जाएंगे। और ईश्वर जी का खेल देखने के लिए उनके बड़े भाई आ चुके, और कमेंट्री वाले वो 1100 रुपए मुकेश जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी और प्रणाम मेरी तरफ से आपको, सुन लीजिए ऑनलाइन से, हमारे मौसी के लड़के होते हैं मुकेश जी। बैट्समैन जल्दी से भिजा दीजिए क्रीज पर, कुछ समय की फिर तावड़ा पड़ेगा ज्यादा, बैटर आ जाइए दोनों आराम से, पानी वानी पी के एनर्जी लेके
मुकेश जी कनक ने आज बहुत ही अच्छी अच्छी घोषणा की है, विजेता टीम को 11,000 और कुछ लाइन में तकलीफ हुई तो फोन कीजिए जी। आज नकुल जी ने अपनी सेवाएं दी है, खेल प्रभारी के रूप में लाइन निकाली है, आज ही दी है। दोनों ही पाली वॉरियर्स के कैप्टन, ध्यान दीजिए आपके दोनों ही ओपनर सलामी बल्लेबाज जिसको भेजना है भेजा दीजिए। अरे जी आपके 500 रुपए आप लेना चाहे तो ले सकते, बाद में ले सकते, लेकिन मेरे पास है। और यश के 500 रुपए जो भरत जी ने बोले थे, 200 जीतू जी के बाकी है, 200 ओवर के लिए। राजू जी कोई बात नहीं दे देंगे। यस बाद में ले लेंगे, अभी ले लेंगे। और हरीश जी की तो पैसे मेरे पास आ चुके, भरत जी किमारा वालों ने दिए आपके आप सेंचुरी की ओर से। मैच होने के बाद आपको इनाम राशि दी जाएगी। बहुत बैट्समैन तो आप आ जाइए पानी वानी पी के जल्दी। हमारे बीच महर्षि श्री जगदीशानंद जी महाराज पाली पधारे हैं, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे समाज के बच्चों को आशीर्वाद देने पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे समाज के एक्टिव कार्यकर्ता चंद्र बदल जी शर्मा भी पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। बैट्समैन भिजा दीजिए, आपको बोल दिया है, देरी नहीं करे, आप बैट्समैन भिजा दीजिए। बहुत हो चुका है, फटाफट अपना बैट्समैन उतारे, दर्शक भी फील्ड से बाहर निकल जाए, जल्दी भेजे, जल्दी से जल्दी भिजा दीजिए। आप किस बात की इंतजारी है आपको? गुरुजी बीच में आ गए, गुरुजी को मेरा प्रणाम कोटि कोटि। हमारे बीच में गोवर्धन दाजी लक्ष्मी दाजी पधार चुके, आनंद से क्रिकेट का उत्साह देखने को आए हैं, टाइम अपना कीमती समय देने को आए। इनको बहुत काम रहते, बहुत बिजी रहते हिसाब किताब में, ये जितने वाणिया भी ध्यान नहीं देते हिसाब किताब उतना ध्यान देते हमारे गोवर्धन दाजी। प्रिया बाबिया के कमेटी के ये मेन मेंबर है, ये हमारे पूरा दामोदर इनके ऊपर है। हमारे काका एक ही का कौन लेके जाएगा पता नहीं, वो तो आखिरी गेंद पे पता चल जाएगा, लेकिन जो भी है कड़ा मुकाबला होने वाला है। ये निकाहें जमा के रखिए इस मुकाबले पर, ये अंतिम पारी है ये इनिंग की। स्कोर चेंज करेंगे पाली वॉरियर्स, स्टार्ट। पहला ओवर नरेश, क्या बात है, रोक दिया है। कौन है? महेंद्र जी है लगता है, हाइट से मालूम पड़ रहा है महेंद्र जी, बहुत ही चिफिले, अन्यथा ये 4 रन होते थे। ये उनका फेवरेट जोन है सुरेंद्र का, इधर ही मारते हैं। दूसरी गेंद सामना करेंगे ललित जी, नरेश जी।
अगली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट। अरे छह रन, पहला छक्का पाली वॉरियर्स का। इन्होंने तो अपने हाथ में क्या पता नहीं इस टूर्नामेंट में मोटर लगाई हुई क्या, बटन दबा रही छक्का, ये हाथ का पावर है क्या, खाली घुमा दिया छह रन। हैंड पावर बहुत है इनमें, बहुत ही अच्छा शॉट, ये पहला छक्का पाली वॉरियर्स का। क्लीन बॉल, क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंद, बीट कर दिया बैट्समैन को, मैंने तारीफ की और सीधा क्लीन बॉल। और एक छक्का मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए, सीधा स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी नरेश ने। ये पहला झटका पाली वॉरियर्स के टीम का। अगले न्यू बैट्समैन लगता है जीतू भाई आ चुके। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नरेश के द्वारा, पहला झटका पाली वॉरियर्स की टीम का। पवन जा चुके, ललित एक छक्का मारकर तो 1100 रुपए का इनाम श्याम सुंदर जी की तरफ से। नरेश बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया गेंद को, उनको मालूम है अच्छे बॉलर है तो सम्मान के साथ खेला उसको। नरेश हैट्रिक करता है तो 1100 रुपए का इनाम श्याम सुंदर जी बिरामी वालों की तरफ से आपको। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छा शॉट पीछे। अरे वाह क्या फील्डिंग है, आज तो दिन है। अरे क्या फुल भीड़ हो रही है, वो कोई करो जी आयु मिसफील से सीधे दो रन, बॉल से खेल रहे थे लगता है। कोई फर्क नहीं अपील का एम्पायर के ऊपर। ओवर की समाप्ति और नरेश को इनाम की राशि दी जा रही है मुकेश जी कनत के द्वारा 1100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, क्या बात है, आप तो आज दिल गार्डन गार्डन कर रहे सबका। 1100 रुपए का इनाम नरेश को। अरे भूट गई भूटरी याद आते मुकेश जी कनक मुंबई तो रानी गांव से बिलोंग करते, रानी स्टेशन। अगला ओवर लेके आते हैं मैक्सवेल कैप्टन, सामना करेंगे सुरेंद्र, ये सुरेंद्र नहीं है सुरेंद्र रैना है। बहुत ही अच्छी गेंद, मारना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं। ललित बहुत ही सटी हुई गेंदबाजी करते हैं, ये अपना पूरा दम दिखाते हैं बॉलर में, इनके पैर में लगी हुई है तो भी कड़क बॉल कर। एक ओवर 9 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। बहुत अच्छा शॉट सुरेंद्र के द्वारा, सुरेंद्र रैना 4 रन, क्या बात है, है ना सुरेंद्र तो है ना, और कोई नहीं तो सुरेंद्र है ना। पाली वॉरियर्स नक्को टेंशन लो तो सुरेंद्र है ना अभी तक। बहुत ही अच्छा शॉट 4 रन सुरेंद्र का, नंबर 1 पे चल रहे ये रन में अभी तक टूर्नामेंट में।
बहुत ही अच्छी गेंद मारना चाहते थे और वापस, लेकिन बिट हुए सीधे कीपर नरेश के दस्तानों में, जो बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हैं। अगली गेंद मैक्सवेल की, कैप्टन गोडवार हीरोज के, बहुत ही खतरनाक शॉट, छह रन, खूबसूरत शॉट, सुरेंद्र हैना, बस इंडिया में सुरेंद्र रैना, इधर सुरेंद्र हैना। बहुत ही खूबसूरत शॉट सुरेंद्र का, बीट हुई बुरी तरह, छक्का लगने के बाद कुछ गेंद में वापसी करते हुए ललित अपने कोटे का पहला ओवर, ये इनके ललित का बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, ये भी फुर्तीले। बिट हुए बुरी तरह, नहीं तो ये भी बार होती गेंद। दो ओवर की समाप्ति पर 19 रन एक विकेट के नुकसान पे पॉली वॉरियर्स का, दो ओवर की समाप्ति पर 19 रन, लॉस्ट ऑफ वन विकेट, जो ओपनिंग करने आए थे ले लीजिए चले गए। अगला ओवर लेके आते हुए प्रवीण नागोरा, सामना करेंगे जीतू सिरोही, अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ खास करके नहीं दिखा पाया है, अभी ये बड़ा मुकाबला है, कुछ करके दिखाना होगा आपको अपने टीम की ओर से, मौका भी है, दस्तूर भी है और नजारा भी अच्छा है, और हम भी इधर बैठे हैं आपकी बैटिंग का आनंद लेते हुए। बहुत ही अच्छा शॉट, अरे लगता हमारी बात सुन ली आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। चरम बहुत ही लंबा शॉट हवा में था कुछ देर तक, लेकिन उसको तो बाहर जाना था गेंद को, पहले ही गेंद पर छक्का मार दिया, पेस बढ़ानी पड़ेगी भी लगता है प्रवीण को, और घुमा दिया है नीचे फील्डर, अरे बीस, क्या बात है, कैच मिस तो मैच मिस, इस मैच में कैच जरूरी है, आपने कैच छोड़ा तो मैच भी, बहुत ही बड़ा जीवन दान दे दिया आपने बड़े खिलाड़ी को, तो मुकाबला पलटा सकते, इधर उधर कर सकते, ये बड़े खिलाड़ी है, बड़े मैच के सेंचुरियन भी है ये, हमने देखा है इनका गेंद। बहुत अच्छा शॉट, अरे नीचे मैक्सवेल फील्डर, अरे प्रवीण ये कैच नहीं छोड़ते, ये कैच नहीं छोड़ते कभी, आपने अपना विकेट गिरा दिया है। ये बड़ा झटका लगता हुआ अपने टीम का, बहुत अच्छा कैच प्रवीण के द्वारा, ये कैच नहीं छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, अब की बार टूर्नामेंट में खेल दिखाएंगे, अब की बार तो निराश किया इन्होंने, शॉट मारना चाहते थे लेकिन नीचे फील्डर थे, दिन नहीं है इनका लगता है। बहुत ही अच्छी गेंद दुबल जी की तरफ से, हाँ पाली वॉरियर्स में जो कोई 50 मारेगा उनकी ₹500 की इनाम राशि नरेश जी के द्वारा दी जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपको, खेल को उत्साह बढ़ाते हुए पाली वॉरियर्स की टीम की ओर से ₹500 की इनाम राशि 50 मारने वाले को। सुरेश लगता है, सुरेश है, सुरेश नागरा, बहुत ही अच्छे खेलते हैं ये भी, बड़े बड़े हिटर है, इनके शॉट में इतना पावर है कि गोली की तरह शॉट जाता है इनका, कल परसों शॉट मारा दीवार में खड्डा हो गया था।
कौशलाम में खड़े गिरा दिए बहुत इन्होंने। अगली गेंद जुगल की सुरेश के सामना करेंगे। निकाल दिया गया अपने पीछे है बड़िंडा महेंद्र, बहुत ही तंदुरुस्त चुस्त। आज मंदिर गए थे सुबह सुबह, देखा था मैंने मंदिर ने बाप से हाथ जोड़ता था, पगे पड़ता था। आज 11 पेटी में नौकिया दौड़ा है पौमड़ा, आज नहीं धारा पौमड़ा है। बॉलिंग करेंगे जब दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा शॉट सुरेंद्र का, अरे वाह क्या शॉट है, फिदा हो गया सुरेंद्र है ना, बहुत ही अच्छा शॉट, 4 रन। सुरेंद्र को बॉल नहीं फुटबॉल दिख रही है इस टूर्नामेंट में। ये पाली का पूरा जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है, इनके कंधों पे लेके चल रहे, बजरंग बली है पाली के, तो खुद टीम को उठा के लेके जा रहे कप की ओर, क्या बात है सुरेंद्र। शॉट पीछे फील्डर है ईश्वर, 1 रन से ले पके। दोनों खिलाड़ियों को सामना करेंगे सुरेश, ये भी अच्छा हीटर है, हार्ड हीटर सुरेंद्र, दोनों हीटर है, इनको भी यस और अरेस की तरह कुछ करके दिखाना पड़ेगा अपनी टीम की ओर से, जैसे उन्होंने पार्टनरशिप की थी। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी, 1 रन जैसे रुक पाएंगे दोनों खिलाड़ियों को। गाड़ी अंदर लेके ना जाए, बॉलिंग बहुत ही अच्छी होती हुई जुगल की। अरे ऊपर से मारना चाहते थे, वाइट गेंद का इशारा एम्पायर जगदीश के द्वारा, बहुत ही अच्छी है पारिंग दोनों ही एम्पायर से। आज तो दर्शक जहां देखो वहां दर्शक ही दर्शक है, कोई कुर्सी खाली नहीं है, मनक तो मावता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा शॉट सुरेंद्र का, अरे वाह क्या बात है सुरेंद्र, सुरेंद्र है ना, क्या शॉट मारा सुरेंद्र। ये टूर्नामेंट में छाए हुए बल्लेबाज है, सबसे टॉप पर है ये। 4 ओवर की समाप्ति पर पाली वॉरियर्स का टीम स्कोर हुआ है 46, 2 विकेट के नुकसान पर। यह अंतिम ओवर पावर प्ले का बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजारा दिखाया है पावर प्ले में पाली वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने, खासकर सुरेंद्र, इसकी बैटिंग पे तो मैं फिदा ही हो गया, बहुत ही शानदार बैटिंग करते ही है, बजरंग बली है ये पाली वॉरियर्स के, जो संजीवनी अकेले लेके जाते हैं। 46 पावर प्ले का अंतिम ओवर है ये, बहुत ही अच्छा स्कोर है ये, स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो जीत की ओर अग्रसर होती हुई पाली वॉरियर्स। ठान लिया इन्होंने कि हम लेके जाएंगे कप, अभी सुरेंद्र ने तो ठान लिया है, उसकी मेहनत तो वो कर रहे हैं। अगला ओवर लेके आते हुए नरेश सामना करेंगे सुरेश, नरेश टू सुरेश, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए मलिंगा मेरे पास आ चुके हैं, अभी अभी श्रीलंका से उतरे। बहुत ही थ्रो मारने से सटीक महेंद्र, लेकिन छुप गए।
se puso caliente. Oh, yeah. अगली गेंद सामना करेंगे सुरेंद्र। ठीक है, बहुत ही अच्छी गेंद। अभी भी और एक घोषणा आई है पाली वॉरियर्स की टीम की ओर से, सुरेंद्र जी को 2100 रुपए 50 के ऊपर और सेंचुरी के ऊपर 2100 रुपए सुरेंद्र जी को। बहुत ही अच्छा शॉट, चार रन जाते हुए, कोई मौका नहीं खिलाड़ियों के पास रोकने का। सेंचुरी मारते तो 2100 रुपए मुकेश जी कनक, रानी स्टेशन मुकेश जी कनक, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना प्रेम है मुकेश जी को पाली वॉरियर्स की टीम से। पाली वॉरियर्स की 50 होती हुई इसी के साथ पूरी टीम की बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपको तहे दिल से। बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे है ईश्वर, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों। बहुत ही तेजी से भागते हैं सुरेंद्र। इलेक्ट्रॉनिक बमरा भरता हुआ ऊपर नीचे मनगन बाप भरका ही होगा। जाए जाए ओए इनको बमरा को चारों तरफ भेजे। हाँ अगली गेंद लेके आते हुए महेंद्र जी पंजाब बठिंडा से भागते सीधा कोशिलाव की ओर। अगर महेंद्र जी विकेट लेते तो कोशिलाव ओम जी की तरफ से 501 रुपए का इनाम। क्या प्यार है, अरे क्या गेंदबाजी है। सेम अशोक डिंडा जंप मारते वैसे जंप मारते ही है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है इनकी। अगली गेंद सामना करेंगे सुरेंद्र। बहुत अच्छी गेंद लेकिन वाइट गेंद का इशारा है पर हमारे सामने से लोकल एक्सप्रेस गुजरी है भावेश जी खिमाड़ा।
बहुत ही अच्छी गेंद, ये गेंद को इतनी अच्छी करते हैं लेफ्टी के लिए तो खासकर बहुत अच्छी गेंद करते हैं ये लेफ्टी को, बहुत अच्छी गेंद करते हैं, इनका फेवरेट है लेफ्टी गेंद में, ठान के रहते हैं कि विकेट लूंगा मैं। अरे इनको भी मालूम नहीं कि सुरेंद्र भी राइटी को बहुत बड़ा फैन है चक्कर मारने का। बॉल छह रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट। सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र रहना नहीं है हमारा तो है ना ये। अभी भी और एक घोषणा आई है श्रीमान पुरुषोत्तम दाजी बवरदास जी की तरफ से, पाली वॉरियर्स को जीतने पर 1100 रुपए का इनाम। अगर पाली वॉरियर्स टीम जीते तो 1100 रुपए का इनाम किशोर जी हैदराबाद के अध्यक्ष की तरफ से, और खाना भी है पूरे भाई ढाबा के पास। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। अरे विशाल लेन पड़ता तो अरे अटे पड़ी एक बॉल हेलो किसी के पास अगर बॉल पड़ी है तो सिद्धनी यहाँ पे भिजाए, पुरानी बॉल किसके पास भी है वो इधर लेके आ जाए मंच पर, पुरानी बॉल किसके पास भी इधर लेके आ जाए। आई, 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 नहीं तो बमरा फरेगा तो दिख जाएगी किसके पास बॉल है, कोई छुपा नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉनिक बमरा से। बहुत ही अच्छा शॉट सुरेंद्र के बल्ले से, 40+ पे खेल रही है, बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए। मारना चाहते थे और उठा के बीट हुए बुरी तरह। गेंदबाजी में कुछ बदलाव करना होगा महेंद्र जी को, अपने गेंद को बहुत अच्छी गेंद छक्का होने के बाद अपनी गेंद में बदलाव करते हुए सिर्फ 1 रन। अच्छे बॉलर है ये लेकिन आज पता नहीं हाथ पग नहीं हिल रहे, कुछ खेल का अलग नजारा दिखाना पड़ेगा आज इनको जीतना है तो। गोडवा हीरोज को फाइनल मुकाबला आइए। बहुत अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं, ये ओवर में खाली छक्का आया लेकिन ये बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर, टीम का स्कोर 64। स्कोर हुआ है, बहुत ही अच्छा स्कोर है ये पाली वॉरियर्स का, जीत की ओर अग्रसर होती हुई जब तक सुरेंद्र है, जब तक कुछ कह नहीं सकते सुरेंद्र है ना। अगला ओवर वापस लेके आते अपने कोटे का दूसरा ओवर। हमारे ललित, हमारे बहुत ही जाने माने पत्रकार आदरणीय श्रीमान नटवर जी मेवाड़ा का स्वागत है, कृपया मंच पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। खेल प्रभारी ध्यान दीजिए, पुरानी बॉल है तो लेके आई है, खेल प्रभारी कौन है वो ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा शॉट लेकिन पीछे, उतना ही मुतेश ईश्वर जी।
पत्रकार नटवर जी मेवाड़ा का स्वागत है। अगली गेंद सामना करेंगे सुरेश ललित। बहुत ही अच्छी गेंद, बीट हुए बुरी तरह, कोई समझ नहीं पा रहे, खाली गेंद को सुरेंद्र ही समझ पा रहे, बाकी कोई खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे पाली वॉरियर्स में। अगर ये मैच जीतना है तो आपको लाइन लेंथ पर नहीं भटकना होगा, बनानी होगी गुड लेंथ पर बॉल। बहुत अच्छा शॉट, नीचे फील्डर है लेकिन दोनों खिलाड़ी को दो रन से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको ये मैच जीतना है तो, अन्यथा ये मुकाबला आपके हाथ से निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा शॉट लेकिन एक रन से लेने रोक पाएंगे, मिस फील्ड, हाथ में नहीं आई बॉल। कोई मौका नहीं छोड़ते दोनों ही खिलाड़ी, सिंगल डबल का जहां मौका मिलता है वो बाउंड्री मारते, जहां सिंगल रहता है। बहुत अच्छी गेंद ललित की, ये मैच जीतना है आपको तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी सुरेंद्र के द्वारा, और उनको जीतना है तो अच्छी बॉलिंग। बहुत ही अच्छा शॉट पीछे आ रहे से लेकिन हाथ से छूट गई है। ओवर की समाप्ति, स्कोर 69। सात ओवर की समाप्ति पर ड्रिंक ब्रेक, सेवेंटी नाइन रन चाहिए 48 बॉल में, कोई बड़ी बात नहीं है। 78 रन चाहिए पाली वॉरियर्स को जीतने के लिए 48 बॉल में। अगर ये फाइनल मुकाबला आपको जीतना है, ये दसम क्रिकेट टूर्नामेंट का कप उठाना है आपको तो, और वर्ल्ड वॉर हीरोज को जीतना है तो उनको रोकना होगा या विकेट लेने होंगे आपको। बहुत ही रोमांचक मुकाबला ये फाइनल का देखने को मिला है हमको, दोनों ही टीमें मैदान में भागती हुई, अभी तक कुछ नहीं मालूम चल रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, दोनों का पलड़ा भारी है। ज्यादा चांस पाली के आ रहे, हमारे सूत्र यश ने मारा बहुत ही अच्छा थ्रो, यश का आज अच्छी फील्डिंग की है और अच्छी बल्लेबाजी भी की है इन्होंने। भुटका फूटा हुआ, जैसे विकेट जा रहे वैसे भुटका फूटा लगता है, ये दर्शक गोलवाल हीरोज के है। अगले न्यू बैट्समैन रमेश जी, बहुत ही अच्छे खतरनाक हार्ड हिटर है ये, दोनों ही लेफ्टी सामने। बहुत अच्छा शॉट मारना चाहते लेकिन उधर ही फिर गई बॉल, एक रन। हाँ नहीं नहीं, अभी सामना करेंगे पहली बार रमेश डुबल का, पता नहीं क्या करेंगे ये फाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला, बहुत महत्वपूर्ण, अभी तक बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी के टूर्नामेंट में, ये मैच जीतना है तो रमेश जी को कुछ कुछ खास दिखाना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी में।
बहुत ही अच्छा प्लेट सम्मान दिया गेंद को। सम्मान के साथ शुरुआत करते हुए ये आते हैं। जब पहली बॉल बावशियरे वास्ते काड़े हैं, पहली बॉल बावशियरी बहुत ही मारी है। अगली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट, मैंने बोला था ना बावसी लो ध्यान रखे, उन्होंने बावसी ध्यान रखी। चार रन, पहले खाली निकाला, पहली बॉल भगवान की, दूसरी बॉल मेरी, ओवर 78 रन, 42 बॉल में 70 रन चाहिए मात्र, 42 बॉल में 70 रन चाहिए मात्र। अगर रमेश जी चाहे तो ये कुछ बड़ा स्कोर नहीं है, चेज कर सकते हैं ये और आसान बना देगी चेज को। आते ही इन्होंने अपना हाथ खोल दिया है, चार रन के ऐसे दोनों तरफ मैच है, कोई नहीं बोल सकता, ताकत तोड़ा है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इनको जीतना है तो विकेट की आवश्यकता है, और इनको जीतना है तो और अच्छे अच्छे शॉट की आवश्यकता है जो सुरेंद्र बखूबी कर रहे हैं। आठ ओवर ही हुए अभी तक, अगला ओवर प्रवीण नागोरा लेके आते हुए सामना करेंगे सुरेंद्र, जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक कर रहे हैं। ओपनिंग से आकर पूरे टीम का भार इनके कंधों पर है, इतना भार लिया है कि हाइट भी कम होगी इनकी। बहुत ही अच्छी बॉल प्रवीण की, कोई मौका नहीं खिलाड़ियों का। चार रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट, कोई खिलाड़ी नहीं था इधर, उनको पहले ही मालूम था इधर कोई नहीं है, उधर ही मारूंगा मैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट सुरेंद्र का, फुल गैप था इधर सुरेंद्र की 50, क्या बात है सुरेंद्र, फाइनल मुकाबले में सुरेंद्र ने अपना खेल दिखाया है, बहुत ही शानदार खेल। ये खेल आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे हम, आपकी वजह से हाफ सेंचुरी की पारी है चेज में, ये 12 महीना तक याद रखेगा हमें। 32 बॉल में बनाई है ये, बहुत ही अच्छा शॉट पीछे मयूर, लेकिन रोक दिया इन्होंने, एक रन से संतुष्ट। दो नई बैंक पर रमेश जी तो वो हमें मोह सही हो रही है। ₹501 नरेश जी की तरफ से आपको गिफ्ट किया, सॉरी, बहुत ही खूबसूरत शॉट ऑफ साइड में, क्या बात है। बहुत ही अच्छा ये मुकाबला है प्रवीण टू रमेश जी के बीच में। प्रवीण की तरफ से ₹501 का इनाम आपको, 50 के ऊपर सुरेंद्र। और एक घोषणा आ चुकी है उनकी टीम की तरफ से, अरुण भाई ₹501 का इनाम सुरेंद्र को 50 के ऊपर। बहुत ही प्यार है इनका दोनों का, 50 के ऊपर ₹501 का इनाम। कल्याणदास जी आए थे व्हाइट एंड व्हाइट में आते हुए, जोरदार लगे धगड़ा कपड़ा में तो। क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंद प्रवीण जी, वापसी की है गेंदबाजी में अपनी, विकेट निकाल दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। ये पटा का भी इशारा करता है ये विकेट का, कितना महत्व है ये विकेट का।
एम्पायर से कोई प्रश्न ना करे। बहुत ही महत्व है विकेट का, जैसे ही फुटा फुटा आप समझ लो कितना महत्व है इस विकेट का। देखो ये विकेट मैन है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए परवीन चक्का चौका खाने के बाद अपने गेंद में कुछ बदलाव किया इन्होंने। अगले न्यू बैट्समैन कैप्टन खुद हसमुख आए हैं टीम का भार संभालने के लिए। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजारा परवीन के द्वारा, कुछ बार से इशारा करते हुए प्लेयर सलाम मशवरा करते हुए अपने टीम को फैन है तो कुछ बताते हुए कहा किधर रखना है। लेकिन हसमुख भी बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं, बहुत टूर्नामेंट खेले इन्होंने, इनको भी मालूम है मुझे कहाँ मारना है, कहाँ चौके कहाँ छक्के, उनको भी अनुभव बहुत है। कोई मौका नहीं, बहुत ही शानदार फील्डिंग मयूर के द्वारा, मयूर है ये, मयूर नागोरा। नौ ओवर की समाप्ति पर 89 स्कोर 87। नौ ओवर 36 बॉल में 61 रन चाहिए मात्र, 36 बॉल में 61 पाली वॉरियर्स को जीतना है तो और गोलवर हीरोज को जीतना है तो विकेट की आवश्यकता है, वो है सुरेंदर 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 है ना, बस यही खिलाड़ी है जो दो पिछले दो साल से सबके कानों में गुजरे हैं। अगला ओवर लेके आते हुए महेंद्र जी मौर्य पामड़ा, पामड़ा कुछ कमाल करो आपकी टीम को जीतना है तो लाजमी लागियो बॉम्बरिंग। पामड़ा भी उड़ाई गिल्ली हमें लगे, बहुत ही खूबसूरत शॉट। महेंद्र जी आपकी बॉलिंग इतनी खास नहीं रही इस टूर्नामेंट में, ₹2100 आ चुके हैं जो मुकेश जी कनक ने बोले थे, ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है, आप चाहे तो स्कैनर दिखा सकते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन मार दिया सुरेंद्र ने, सुरेंद्र को तो गेंद नहीं फुटबॉल दिखती है, जा मारना चाहे वहां मंदी से मारते, सुरेंद्र का गेम तो अलग ही है। 53 चाहिए बस खाली गेंद के और नजदीक आते हुए। पाली वॉरियर्स बॉलिंग अच्छी की थी जीतू ने तो उनके ₹200 आ चुके मेरे पास। जीतू जी सुरई वाइट बॉल का इशारा,
21 रन पे आशु के सुरेंद्र के 4 रन वाइड का। और एक घोषणा भी आ चुकी है, अगर सुरेंद्र का विकेट लेते हैं तो 21 रन पे राम भरोसे। ये राम भरोसे किसका नहीं पता, लेकिन सुरेंद्र का विकेट लेंगे तो कोई भी खिलाड़ी कोरबा हीरोज के उनको 21 रुपए दिए जाएंगे सुरेंद्र का विकेट लेते तो। पाली के 100 पूरे, बहुत ही अच्छी बैटिंग जीत की ओर अग्रसर। बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग नरेश के द्वारा, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों खिलाड़ियों को। वाइट गेंद, वाह पमरो कोई करो बमिया बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन एक रन से संतुष्ट। बहुत ही महंगा ओवर निकलता हुआ ये हमारे पोमना का। 2100 रुपया सही है पोमना तो आउट करो। टीम ने जीत भी वही ने 2100 रुपये पाई। बहुत अच्छी गेंद, वाइड गेंद। एक घोषणा के ऊपर घोषणा आ रही है, ये सुरेंद्र मैच खत्म करते हैं तो परिजीत जोधपुर की तरफ से 2100 रुपए का इनाम। ये सुरेंद्र मैच खत्म करते हैं तो इधर से विकेट की आ रही है, इधर से समाप्त करने की। बहुत अच्छी गेंद, अंतिम गेंद अच्छी की। दस ओवर के समाप्त पर 107 रन, 30 पर 41 रन चाहिए बस। इस ओवर में 20 रन आए हैं तोमा, इस ओवर में 20 रन आए हैं। बहुत ही महंगा ओवर ये, मैंने बोला था एक ओवर ऐसा निकल जाएगा जो गेम को उलट पुलट कर देगा, वो ओवर आ चुका है 20 ओवर। अभी तक दूर चल रही थी पाली और नजदीक आ चुकी है, बेनना ही दी है हमें माइलो। इस टूर्नामेंट का ये फाइनल का महंगा हो रही है। सुरेंद्र ये पूरा करते हैं मैच तो 2100 रुपए प्रेत की तरफ से, और विकेट लेते हैं सुरेंद्र का तो 2100 रुपए राम भरोसे की तरफ से। भटका तो फूट गए लेकिन विकेट नहीं गिरा। अभी टीम की तरफ से दोनों ही टीम की तरफ भटका ही है, बेरो भेरो नारे और योरो। मैच चालू करें, हेलो हसमुख जी अगर सिक्स लगाते हैं तो दिलीप जी मूलदाल जी की तरफ से 500 रुपया इनाम के तौर पर है। और एक घोषणा हसमुख, ये मैच खत्म करते हैं तो 1100 रुपए भरत जी कामारेड्डी तेलंगाना से बोली आई है, भरत जी कामारेड्डी की तरफ से 2100 रुपए दिए जाएंगे
और उनके भाई की तरफ से भी पाली वॉरियर्स को 2100 रुपए दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ओवर यस लेके आते हुए यस अभी तक नहीं किए इन्होंने इस टूर्नामेंट में बॉलिंग, पहली बार है। बहुत ही अच्छे बॉलर रही है, बैटिंग में तो बहुत ही अच्छा नजारा दिखाया इन्होंने, अभी बॉलिंग में भी कुछ करके दिखाना होगा इनको अगर ये अपने टीम को मैच जिताना है तो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गेंद, लेकिन सिंगल ले लिया इन्होंने। उनको मालूम है सुरेंद्र है तो कोई टेंशन नहीं है, सुरेंद्र है ना, उसका ही नाम गुजरा है अभी तक सबके जुबान पर। हेलो, लंबा छक्का, छह रन। बहुत ही लंबा छक्का ये सुरेंद्र का, और पाली को चूकती और लेके जाते हुए सुरेंद्र। एलके राघवत की तरफ से और घोषणा आई है, सुरेंद्र मैच जीता दे तो उनकी मनपसंद स्पोर्ट्स की जोड़ी जोड़ी दी जाएंगी, बूट की सूज की जोड़ी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यश के द्वारा। एलके स्टूडियो की तरफ से ये घोषणा आई है ललित जी होशियारपुर से। अगर ये अरे कैश मिस हो गया, अगर ये मैच आप जिताते हैं तो एलके की तरफ से आपको मनपसंद जोड़ी दी जाएंगी शूज की, ये घोषणा सुन लीजिए सुरेंद्र आप। गेंद हवा में है, कैच, अरे वाह, यस ने कमाल कर दिया है, 2100 रुपए का इनाम भी ले लिया और टीम को महत्वपूर्ण विकेट भी दिला लिया। वाह यस वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया है राम भरोसे, 2100 रुपया भी आ चुके हैं आपको, आज तो कमाल कर लिया यस ने, तुम आज तो दिन है यस तुम्हारा, उतना अच्छा कैच नरेश का बहुत ही अच्छा कैच, गेंद के ऊपर निगाह टिकी हुई थी, कोई बात नहीं सुरेंद्र, निराश मत होइए, आपने अपना गेम इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा खेला है, कोई बात नहीं मैच फिनिश नहीं कर पाए लेकिन गेंद के पास लेके गए अपनी टीम को, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी नरेश जी ने, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा ये, दूसरे होते तो कुछ नहीं जा पाते लेकिन इनको मालूम है इस विकेट का महत्व, इसलिए इस गेंद के पीछे भागे थे और यश ने अपनी बॉलिंग में कितना सुधार किया कि छक्का गिरने के बाद इनको मालूम था कि मैं आउट करूंगा और अपनी टीम को जीत दिलाऊंगा, 2100 रुपए का इनाम भी आपने प्राप्त कर लिया है, राम भरोसे बोला था सुरेंद्र के विकेट के ऊपर। पिच में फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए अभी अरुण भाई हाड़ी टले, ये भी पाली के अंडरटेकर के नाम से जाने जाते हैं, ये इनके हाइट अमिताभ बच्चन से ज्यादा है, इन्होंने बोला था आधा इंच हाइट ज्यादा है मेरी अमिताभ बच्चन से, बहुत ही लंबे कट का दिखे अरुण भाई, दिल के बहुत अच्छे आदमी है अरुण भाई, हमको गुलाब हलवा खिलाते रहते हैं ये। दूध पावे डेरी है, कोई मौका नहीं, यस ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण था आपका टीम की ओर। चाय की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई, ध्यान दे थोड़ा, 114 सात रन नहीं
24 बॉल में 34 रन चाहिए, 24 बॉल में 34 रन चाहिए अगर ये मैच जीतना है तो पाली वॉरियर्स को, अगर गोलवाल विलेज को ये मैच जीतना है तो विकेट की आवश्यकता, अन्यथा डॉट निकालिए। कौन हीरो बनेगा? यश ने तो अपना काम कर लिया है और गोलवाल हीरोज में से कौन हीरो बनेगा वो अभी मालूम चल जाएगा। अगला ओवर लेके आते हुए कैप्टन पानी पापा। बस बस सामना करेंगे अशोक पाली टीम के कैप्टन। माना साथ से भी दिए कोई मौका नहीं, बहुत ही अच्छी गेंद, या तो विकेट या डॉट आपको निकालनी पड़ेगी नहीं तो ये मैच हाथ से निकल जाएगा। और पाली को जीतना है तो उनको रन बनाने पड़ेंगे, अपने विकेट का महत्व जानना होगा। सामना करेंगे अरुण भाई। हेलो, हाँ बोलो। अगर पाली जीतती है तो 1100 रुपए का इनाम रोमसा कामारेड्डी की तरफ से तेलंगाना से बोली आई है। और एक पाली जीतती है तो 1100 रुपए का इनाम रोमसा कामारेड्डी की तरफ से तेलंगाना से बोली आई है और एक पाली जीती है तो बहुत ही अच्छी बॉल भुटका भी फूटा। मैंने सोचा अरुण भाई ने मारा लेकिन भुटका फूटा ही है। बहुत ही अच्छी बॉल बीट हुए बुरी तरह अरुण भाई, मन लागो बॉल फूटी। अच्छा आई पी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी गेंद, क्लीन बॉल, क्या बात है बैट्समैन, अपने गेम दिखाया अपना, आप भी इस ओवर के हीरो है यश की तरह। हाँ, अगर गोलवाल जीतती है तो रमेश नागोरा की तरफ से 1100 रुपए का इनाम, गोलवाल हीरो जीतती है तो। बोलिया तो बहुत आई है दोनों ही टीम की तरफ से, दोनों ही टीम के सपोर्टर बोली लगाने में कमी नहीं रख रहे हैं। कोई भी टीम जीतती है तो 1100 रुपए का इनाम, गणपत जी घिसाराम जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी टीम जीतो विजेता। बैटिंग मत क्या, बैटिंग लाके जीतवा रहा कानना जीतवा रहा। बहुत अच्छा शॉट लेकिन पीछे परवीन, अच्छे फील्डर है। और एक घोषणा, विनोद कुमार तेलंगाना कामारेड्डी से 1100 रुपए की इनाम राशि, पाली वॉरियर जीतती है तो। सुन ले अशोक, आपके टीम के भी बहुत फैन है जो तेलंगाना से, 18 बॉल पे मात्र 31 रन की जरूरत पाली वॉरियर्स को अगर ये मैच जीतना है तो। सुरेंद्र आते हुए कि मैंने इस क्रीज पर बहुत टाइम बिताया, 18 बॉल 21 रन 31 हार्ट अटैक बहुत आगे है। अठारह बॉल में 31 रन, मन को ना हार्ट अटैक हो आ गया, हम जाए के हम जाए।
लेकिन गेम फंसा हुआ है, किधर भी जा सकता है। अभी तक गौरव आयोजन ने वापसी की अपनी गेंदबाजी से, जैसे ही सुरेंद्र का विकेट गया है वैसे ही ब्रेक लग चुका है रनों पर। हसमुख जी छक्का मार देते 201 रुपए का इनाम ओम जी की तरफ से। बहुत ही अच्छा मैच ये, बहुत ही अच्छे स्कोर, स्कोर 18 बॉल में 31। हम कमेंट्री में अभी कुछ फेर बदल करते हैं। जयवर्धन कमेंट्री बॉक्स में, चारन क्या बात है कैप्टन, अपना बार संभालते हुए और कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देंगे जयवर्धन जी आते हुए। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी का नजारा दिखता दिखाते हुए हसमुख अपने कैप्टन होने का फर्ज। चार रन इससे पहले अच्छी बल्लेबाजी की थी इसने, लेकिन अगर ये मैच आपको निकालना है तो कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ये लास्ट के अंतिम ओवर है जो आपको गेम में बनाए रखते हैं, ये लास्ट के अंतिम ओवर है जो आपको गेम में बनाए रखते हैं। बीट हुए बुरी तरह अशोक। नमस्कार, ये जिस लेवल का क्रिकेट अभी देखने को मिल रहा है ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। फाइनल इसी बीच में एक रन लिया हसमुख जी ने, जिस लेवल का फाइनल यहाँ पे समाज बंधुओं ने अपेक्षा की थी वैसा ही फाइनल देखने को मिला है। और एक घोषणा, अगर ये यस ये विकेट लेते हैं तो गिरीश भाई हैदराबाद की तरफ से 501 रुपए का इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई खिमाड़ा। और इससे पहले वाली जो इनिंग थी वो भी मैंने लाइव देखी थी, बहुत जोरदार बैटिंग की लोगों ने। और इस छोटे से कद के प्लेयर ने यश ने तो कमाल ही कर दिया, उस प्लेयर को आउट किया जो बताओ स्कोर बोलो, स्कोर बोलो, स्कोर बोलो हम लोग। एक रन के लिए दो रन, अरे दो भागो भागो, अरे यार नहीं नहीं। जैसा फाइनल की अपेक्षा हम लोगों ने जो रोमांचकारी मुकाबले को हम लोग देखना चाहते थे उससे कई अधिक रोमांचकारी ये चल रहा है। खेल के अंदर जो ये यश है इसकी बॉलिंग ने तो कमाल करके रख दिया। क्या नाम है उसका, है क्या नाम है उसका, यश क्या कौन है, वो पूरे पार्टी बॉलिंग कर रही है, यश ही से नहीं, हां वही सब बड़ौदा। 13 बॉल, हेलो हेलो हेलो, 13 बॉल 22 रन मात्र पाली वॉरियर्स को ये मैच जीतना है। तो अगली गेंद यश की आते हुए रमेश जी कुछ सलाम मशवरा करते हुए कैप्टन के साथ, वाइस कैप्टन है। समय समय का ध्यान रखें, देखो खेल खेल के अंदर कितना जल्दी कांटा बदलता है।
हाँ हाँ बोलने दो, मालूम मेरे को, करने तो दो उसको। ये मिस फील्ड हुआ, यही क्रिकेट है। चार तो विकेट का महत्व आपको नहीं मालूम, अगर ये कैच लेते तो मैच बन जाता था 12-18। नरेश आपने कैच मिस कर लिया तो मैच भी लगभग मिस हो चुका है, क्योंकि अश्विन बहुत ही हार्ड हिटर है, उनको मालूम है कैसे गेम निकालना है और क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कब ऊपर कब नीचे जाए कुछ नहीं मालूम। अगली ओवर लेके आते हुए नरेश, अब आपने कैच तो मिस कर दिया है लेकिन अब विकेट से अपना मनोबल बढ़ाइए, टीम का मनोबल विकेट से बढ़ाइए। ये खेल का एक हिस्सा है, ऐसा होता रहता है और यही कारण है कि ये हमें अधिक रोमांचकारी बनाता है इस गेम को। कुछ समझाते हुए अपने प्लेयर नरेश को कि आप निश्चित होकर बॉलिंग कीजिए, गेंद होता रहता है, आप अपना ने 100% दिया है गेंद में, निराश मत होइए, बॉलिंग के साथ संभालिए, सामना करेंगे विकी, पहली बार बैटिंग करते हुए इस टूर्नामेंट में। नरेश का तो ब्रेडली के नाम से जाने जाते हैं, सब दर्शक खड़े हो चुके हैं ये हाई वोल्टेज मुकाबले को देखने के लिए, कब किधर जाए मैच कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, दोनों की तरफ झुका हुआ है मैच, ये इधर भी जा सकता है, अरे वाह उधर भी जा सकता है, संभावनाओं का खेले क्रिकेट, ग्राउंड के अंदर ना फोड़े भटके, बाहर जाके फोड़े प्लीज, आपको रिक्वेस्ट है। दर्शकों में भारी रोमांच बना हुआ है, फाइनल मुकाबले में ऐसा रोमांच अभी तक देखने को नहीं मिला है हमको जितना दोनों ही टीमों में हुआ है। अरे कैश करें रे, स्कोर बोलो, ना ना बोलो स्कोर, ओवर पूरा भी अपनी बोल जाए तो ओवर आले जी 11 बॉल 17 रन की जरूरत वाली वॉरियर्स को जीतने के लिए, लास्ट की बॉलों में बोलते रहना पड़ता है, और अगर ये वॉरियर्स को जीतना है मैच तो विकेट की आवश्यकता असमित की। अब सबकी धड़कनें अटकी हुई है, अरे गोविंद जी मुकाबला देख के जाइए, और क्रिकेट का जो स्तर जो उठा है, जो इस खेल के अंदर जो फाइनल जो चल रहा है वो बहुत अच्छे लेवल पे गया है। बहुत ही अच्छी गेंद नरेश की, वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में कुछ अलग लेवल का गेंद, वाह रे वाह, बुटका जी बुटका फुटे रही आज तो कुल लेन जाए डबा मजा पड़ा आज। चार, क्या बात है अश्विन, चौका कोई बात नहीं, चार रन पाली वॉरियर्स और जीत की ओर नजदीक दौड़ भी हुई। कैप्टन ने बोला है मैं हूं ना, अभी तक 9 में 13 रन, क्या गजब का सिंगल,
साथ में 12 रन सामना करेंगे विकी। अभी क्या करते नरेश की अभी तक अच्छी गेंद है, अगर ये मैच जीतना है नरेश तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। सात में 10 रन की आवश्यकता, अंतिम ओवर कौन करता है पता नहीं, ये लास्ट गेंद इस ओवर की नरेश के द्वारा फेंकी जाएगी। आउट हो गया विकी, भागने में देरी की है। हमारे बीच रामाजी गुड़ा से हरी सिंह जी राजपुरोहित पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आउट हो चुके, अभी आ रहे लक्ष्मण। छह बॉल 10 रन की आवश्यकता, 9 रन। छह में 9 रन, 6 पे 9 रन कुछ बताते हुए सुरेंदर, लेकिन भटागड़ा से आवाज से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, खाली धुआं और भटागा, फूटता हुआ जलता हुआ भटागा। वाह रे वाह, ऐसा नजारा दिवाली में भी देखने नहीं मिला, ये तो दिवाली है। हमारे बीच में मिश्री मल जी चेन्नई, रियल फाइनल है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी ये मंच स्वागत करता है। ये असली फाइनल है, अभी तक इस टूर्नामेंट में जो कांटे की टक्कर हुई है फाइनल में। थोड़ा बता दो भाई, तो आइए वो परवीन इधर आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। परवीन हेलो, परवीन हेलो, परवीन दौड़ ना होना पड़ी जल्दी। बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला ये देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट का, कौन जीतता है क्यों जीतता वो सिकंदर होगा इस दशम क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का, कौन उठाएगा पता नहीं, या गोल्डवा हीरोज या पाली वॉरियर्स। अशोक जी है टॉप 11 में, जब अशोक जी बॉलिंग की थी हाँ संकटाजी भी बहुत उत्साह लेते हुए इस मुकाबले का, और हमारे बीच विक्रम जी भी उत्साह लेते हुए चश्मा पहरियो रही से तावड़ा नहीं पड़े, बहुत अच्छे मित्र हमारे विक्रम जी, फेसबुक पे छाए रहते हैं। बहुत ही खतरनाक मुकाबला ये
हार्ट अटैक आने वाला मुकाबला, काशी शादी हो रहा है तो ध्यान रखिए, देखो देख जो मती। अंतिम ओवर कौन लेके आता है? लगता है ध्रुव किशोर ने बार संभाला है अंतिम ओवर का। हाई वोल्टेज मुकाबले का ये अंतिम ओवर है, सामना करेंगे हसमुख दुबल का। किसकी तरफ पल रहा बारी होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, मैच है किधर भी जा सकता है। मन को शांत रखकर ये मैच देखे। क्या करो यार, छह पर नौ रन की आवश्यकता है पाली वॉरियर्स को। नॉन स्ट्राइक पे लक्ष्मण, स्ट्राइक पे हसमुख। बहुत ही अच्छी गेंद, पांच पर आठ रन की आवश्यकता, लक्ष्मण मैच जिता सकते हैं, वो भी लेफ्टी है, लक्ष्मण मैच जिता सकते हैं। दूसरी गेंद मुगल की दुबल की, आउट हो चुके। अभी मैच टाइट हो चुका और आउट के साथ चार पे आठ रन की आवश्यकता। पहली बार भागते हुए कोयम्बटूर एक्सप्रेस, अभी बैटिंग में कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके लेफ्ट हैंडर की कमी नहीं है इस टीम में, पाली वॉरियर्स की टीम में। यह बहुत ही खतरनाक मुकाबला है, सही बोली तो अभी तक फाइनल ऐसा नहीं देखा हमने, सबको मालूम ही है ये फाइनल कैसा है। दर्शक खड़े हो चुके अपने पैरों पर, बाय के एक रन। पांच बॉल, तीन बॉल सात रन, तीन बॉल सात रन। इलेक्ट्रॉनिक बमरा भी कहीं से भागता हुआ, पेट्रोल डाला हुआ इलेक्ट्रॉनिक बमरा में। बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला ये, दोनों दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा दो बॉल पांच रन मात्र जीतने के लिए पाली वॉरियर्स को दुबल की अब तक बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग हुई है। ऐसा नहीं कर सकते, आपने ये मैच जिताया है, छह रन बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिला है गोड़वार। अरे ऐसा टिकट को लात नहीं मार सकते आप, ये खेल का अपमान है। आप टिकट ले सकते हैं लेकिन लात मत मारिए, आपने जीता है, बहुत बहुत बधाई हो पाली वॉरियर्स को, आपने ये गेम जीता है, बहुत बहुत बधाई हो सभी खिलाड़ियों को, खासकर हसमुख को जिन्होंने लास्ट में छक्का मारकर ये मैच जिताया है। बॉल भी बचता हुआ, बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद, बहुत ही हाईलाइट मुकाबला हुआ ये। मारो नहीं है, फाइनल फाइनल इसको बोलते हैं फाइनल। सुरेंद्र का बहुत ही बड़ा योगदान इसमें, इस मुकाबले।